यूएई में अभी नया लेबर लॉ लागू किया गया है जो कि फरवरी से स्टार्ट हुआ है और इस लेबर लॉ के चलते काफी लोगों को सहूलियत मिलेगी जॉब करने में। काफी रूल्स रेगुलेशन में ढील दी गई है, लाइक वो अपने टर्मिनेशन या फिर रिजिग्नेशन पे उन्हें मिल सकती है या फिर वो कहीं पर पार्ट टाइम कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर विस्तार से एक वीडियो बना रखा है, तो फिलहाल अभी हम लेबर लॉ की बात इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है और जिसने भी नहीं देखा है उस वीडियो को जाके देख सकता है, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बात यहाँ पर यह है कि जैसे ही लेबर लॉ स्टार्ट हुआ उसके साथ ही साथ निकल करके कुछ हमारे एजेंट भाई ऐसे आए हैं कि उनकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि यार जो हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल में ऐसे भाई हैं जो जॉब के लिए ऑलरेडी परेशान हैं, ठीक है, उनको ऐसी नागवार चीज़ें बता के उन्हें डीमोटिवेट कर दे रहे हैं कि बेचारे वो आगे के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये बात सच है कि दुबई में जॉब मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल है, अंदर से काफ़ी संख्या में लोग दुबई में अभी जॉब सीकर से अभी जॉब तलाश रहे हैं और उनको अभी जॉब नहीं मिली है। होप उनको मिल जाएगी क्योंकि देखिए जॉब मिलना न मिलना की स्ट्रगल्स आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है और लास्ट में अगर कहीं थोड़ी बहुत चीज़ होती तो वो किस्मत होती है, ठीक है। करंट सिचुएशन में अभी जो हमारे एजेंट भाई हैं, जो हमारे मासूम लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल, उनसे जो भी ये लोग कह रहे हैं, अगर मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें यार। तो भाई साहब का मैसेज ये आया था, उन्होंने कहा था कि एजेंट जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी विजिट वीज़ा निकल नहीं रहा, पहली चीज़। अब जॉब करने के लिए आपको वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा और वर्क वीज़ा की जो कीमत उन्होंने बताई है वो 1 लाख से ऊपर बताई। उनका कहना ये है कि वर्क वीज़ा जो है उस पर आप जाओ और उसी पे आपको जॉब मिले। इस चीज़ का पूरा खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कहीं पर भी यूएई गवर्नमेंट ने ये चीज़ नहीं कही कि आपको विजिट वीज़ा पर जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको स्टेटस चेंज करना, आप जॉब सर्च कर सकते हो, आप अपना इंटरव्यूज़ दे सकते हो, आप सारी चीज़ें कर सकते हो, क्यों नहीं मिलेगी। और रही बात वीज़ा स्टेटस की, मात्रा में यूएई में वीज़ा का स्टेटस चेंज होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और गाइस आप में से बहुत से लोग जो अभी यूएई में करेंट टाइम में जॉब सर्च कर रहे हो, उसमें से भी काफ़ी लोग कह रहे थे कि मुझे पैसे की डिमांड की जा रही है, मुझे पैसे मांगे जा रहे हैं जॉब के लिए, बिना पैसे के जॉब नहीं कहीं मिल रही है। तो ऐसे हज़ारों एग्जांपल हैं जहां पे लोग बिना पैसे की भी जॉब उनको मिली हैं। और ऐसा कहीं पर भी ज़रूरी नहीं कि आपको पैसे पर ही जॉब मिलेगी। जो जेन्युइन जॉब होती हैं वो बिना पैसे के ही मिलती हैं क्योंकि उन्हें आपसे काम चाहिए, ना कि पैसा। पैसा तो वो खुद आपको दे रहे हैं और जो आपको पैसे के बदले जॉब दे रहे हों तो उस जॉब पे लॉन्ग टर्म के लिए यकीन नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में। फिलहाल मेरी यही थिंकिंग है। तो कई जो लोग ऐसा कर रहे हैं ऐसा प्लीज़ ना करें, ठीक है। और जो लोग भी जॉब सर्च कर रहे हैं, बी कंटिन्यू एंड बी मोटिवेटेड एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। जॉब मिलेगी, ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी, ज़रूर मिल जाएगी। तो एक छोटा सा वीडियो था, 2-3 दिनों से वीडियो मैं नहीं डाल रहा था, हालांकि कुछ ऐसा था ही नहीं। तो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो का ऐसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।